ही दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। नर्सिंग भर्ती घोटाला 2021, अलवर मेडिकल कॉलेज में संविदा पर नर्सिंग कर्मियों की भर्ती का मामला। नर्सिंग भर्ती घूसकांड, 82 फर्जी भर्तियां हो चुकी हैं। डीन समेत 7 के चैम्बर सीज, घूसखोर कंपनी को किया टर्मिनेट, अब नए सिरे से की जाएगी भर्ती। अलवर नर्सिंग भर्ती घोटाला, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। यहाँ पे जो है 5-5 लाख रुपए का घूसखोरी चल रही थी, जिसमें सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, आप लोग देखिए तो कॉलेज स्टाफ और आरोपियों को आमने सामने बैठा कर पूछताछ की जा रही थी। तो दोस्तों इस वीडियो में दो सबसे बड़ी खबर आपको इस वीडियो में मिलेगी, हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों आपको बता दें यह भर्ती 19 जून 2021 की जो न्यूज है उसमें निकल के आ रही थी, जो कि नंबर वन आप लोग देखिए तो नर्सिंग भर्ती घूसकांड, अलवर के मेडिकल कॉलेज में यह भर्ती जो हुई है, जो कि घूस के बदौलत भर्ती हुई है। नंबर वन घूसखोरी चली है, इसमें 5-5 लाख रुपए का एक पद के लिए घूसखोरी चली है। और यहाँ पे जो न्यूज देख रहे हैं अलवर नर्सिंग भर्ती घोटाला, ये दोस्तों 20 जून आज ही की बड़ी ऑफिशियली अपडेट है। दोनों न्यूज दोस्तों जयपुर अलवर से निकल के आ रही है, राजस्थान से बड़ी खबर निकल के आ रही है। अभी दोस्तों बिहार में जो है धांधली हुई है, इसके बाद जो है राजस्थान में सबसे बड़ी धांधली की गई है नर्सिंग कर्मियों की भर्ती का मामला। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको जो है दोस्तों सारी जानकारी दे देंगे। इसमें जो है आप लोग देखिए तो कंपनी के ऊपर जो है मुकदमा भी कर दिया गया है, तो बिल्कुल सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली न्यूज पर। अभी आप लोग देखिए ये दोस्तों 19 जून 2021 जयपुर ऑफिशियली न्यूज निकल के आ रही है, जिसमें आप लोग देखिए एसीबी ने कहा सांसद बालकनाथ के पीए की भूमिका की जाँच चल रही है। पीए और कंपनी प्रतिनिधि के बीच हुई बातचीत का आईडियो एसीबी के पास है। अलवर जयपुर अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में नर्सिंग व अन्य स्टाफ की भर्ती के लिए घुसखोरी के मामले में एसीबी ने परतें उधेड़नी कर दी है, जिसमें जांच में पता चला है कि कंपनी को नर्सिंग सहित विभिन्न पदों पर फिलहाल 108 लोगों की भर्ती करनी थी। कंपनी के कर्मचारी खुली भर्ती प्रक्रिया को दरकिनार कर अब तक 82 अभ्यर्थियों की फर्जी भर्ती कर चुके थे। हालांकि सर्च में एसीबी को सिर्फ 12 अभ्यर्थियों के ही मूल दस्तावेज मिले हैं। एसीबी के एएसपी विजय सिंह ने बताया कि कंपनी ने कोविड का बहाना बनाकर भर्ती संबंधी कोई विज्ञापन भी जारी नहीं किया। सरकार की शर्तों के आधार पर यह भर्ती 15 दिन के अंदर होनी थी। अब तक गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को दोपहर 3:30 बजे अलवर में एसीबी कोर्ट की न्यायाधीश शिवानी सिंह के आवास पर पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। वहीं एसीबी ने शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर हरनाम और समेत 7 अफसरों के चैम्बर सीज कर दिए। डीन ने कहा मुझे एसीबी की कार्रवाई के बाद भर्ती में गड़बड़ी का पता चला। वहीं सांसद बालकनाथ के पीए कुलदीप की भूमिका की भी जांच हो रही है। गुजरात की भर्ती कंपनी एमजे सोलंकी के सुपरवाइजर भरत व कानाराम पार्टनर मिनेश और जोधपुर एम्स का नर्सिंग कर्मी महिपाल गिरफ्तार हो चुका है। बहरोड विधायक बोले कुलदीप सांसद का पीए नहीं फूफा है, कुलदीप ने 5 लाख मांगे, ये बात गलत है। बट अभी ये कंफर्म नहीं है, कुलदीप यादव सांसद बालकनाथ का पीए नहीं फूफा है, जो दलालों से मिलकर नर्सिंग भर्ती में अवैध वसूली कर रहा है। सांसद को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। भगवा वस्त्र पहनकर खुद को साधु बताने वाला सांसद मठ के अरबों की संपत्ति का मालिक है, उसके बावजूद भ्रष्टाचार में लिप्त है बलजीत यादव विधायक बहरोड़। इसके अलावा देखिए ईएसआईसी में नर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती में नौकरी के लिए जो कार्यकर्ता आए उनकी हमने सिर्फ सिफारिश की, कंपनी ने जो भ्रष्टाचार किया या गड़बड़ी की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कुलदीप की ओर से 5 लाख रुपए के लेन देन की बात जो प्रकाशित हुई है वह गलत है, यह बाबा बालकनाथ सांसद अलवर इन्होंने बोला है। तो ये पूरी जानकारी है, आप लोग अच्छे से यहाँ पर पढ़िए। ये जो देखिए यहाँ पर चारों आरोपी हैं, इनका इमेज दिया गया है। अलवर रिश्वत कांड में अब तक के ये आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। चारों का यहाँ इमेज आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बोला जा रहा कि एसीबी की जांच में
सामने आया कि कंपनी के पार्टनर ने 10 से ज़्यादा दलाल लगा रखे थे। इनके जरिए ही भर्ती के लिए प्रति अभ्यर्थी 1.5 लाख रुपये घूस लेता था। ACB ने इन दलालों को चिन्हित किया है, इनसे पूछताछ की जाएगी। मामले में गठित बोर्ड भी कंपनी पार्टनर के इशारे पर उन अभ्यर्थियों का चुनता था जिन्होंने घूस ही दी है। मामला सामने आने के बाद ACB ने गुरुवार रात को कंपनी के ऑफिस को सील कर दिया। इससे शुक्रवार को खोलकर तलाशी ली गई। कंपनी के ऑफिस से कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। तो ये दोस्तों 19 जून की बड़ी खबर है। और आज सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है 20 जून जयपुर ऑफिशियली खबर, अलवर नर्सिंग भर्ती घोटाला, कंपनी के पार्टनर सहित 4 पर केस दर्ज कर दिया गया है। घूसखोर कंपनी को किया टर्मिनेट, अब नए सिरे से की जाएगी भर्ती। अलवर में मेडिकल कॉलेज में संविदा पर नर्सिंग कर्मी व सहायक नर्सिंग स्टाफ की भर्ती के मामले में प्रतिपद 1 से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने वाली कंपनी MJ सोलंकी के पार्टनर व 3 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ ACB ने शनिवार को मामला दर्ज कर लिया। इधर कंपनी को सरकार ने टर्मिनेट कर दिया है। कंपनी की ओर से जिन जिन पदों पर भर्ती की गई है उन पर अब नए सिरे से भर्ती होगी। ACB ने घूसखोरी के मामले में MJ सोलंकी के पार्टनर मिनेश भाई, सुपरवाइजर भरत पुनिया सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 20 लाख रुपए बरामद किए थे। ACB की टीम ने मिनेश भाई को अजमेर में रोककर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मामला सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज के डीन ने शनिवार को आदेश निकालकर कंपनी के साथ हुए अनुबंध को खत्म कर दिया। तो ये दोस्तों बड़ी खबर है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे, ये अनुबंध 18 मई को हुआ था। इसमें कंपनी को नर्सिंग, पैरामेडिकल, लाइब्रेरियन के साथ ही 1 साल तक मैन पावर उपलब्ध कराने का अनुबंध था। आगे देखिए, कॉलेज स्टाफ और आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। ACB की शनिवार को मेडिकल कॉलेज व स्टाफ व नर्सिंग भर्ती के घुसखोरी के आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ विरोधाभासी बयान सामने आए। ACB के ASP विजय सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी बार बार बयान बदल रहे हैं। ACB ने भर्ती घोटाले में मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों व कर्मचारियों का भी मिली भगत की आशंका जताई है। तो ये दोस्तों बड़ी खबर है। देखिए, ESIC में 108 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी। 18 मई की डेट है यह दोस्तों। आउटसोर्सिंग के बेस पर भर्ती है, जो कि एक आउटसोर्सिंग कंपनी भर्ती करने वाली थी। इसमें जो है पैरामेडिकल स्टाफ जैसे लाइब्रेरियन, नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी थी के पद थे और इसको जो है भर्ती करना था। बट यहाँ पे देखिए, इसमें धांधली की जा रही थी। 1 पद के लिए 1.5 लाख रुपये घूस मांगे जा रहे थे। कंपनी ने यहाँ पे जो है घूसखोरी की है, कंपनी के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया है। और इसके अलावा जो राजस्थान सरकार है, इसने जो है कंपनी को क्या कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। तो ये दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही थी। ESIC में ही धांधली हो चुकी है, अभी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और जल्दी से जॉब इंडिया को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।